बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारे यहाँ के क्लस्टर की इंचार्ज और भारत सरकार में मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी श्री सुनील भाई ओझा जी, हमारे अमरपाल मौर्य जी प्रदेश के महामंत्री, सुब्रत पाठक जी जो काशी क्षेत्र के प्रभारी भी हैं और महामंत्री भी हैं, महेश चंद्र शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सांसदगण वीरेंद्र जी, हमारे दिनेश जी निरुआ जी, हमारे दयाशंकर जी, बाकी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण और हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात यहां गाजीपुर में आने का सौभाग्य मिला और पवारी बाबा के आश्रम में जाने का, उस तपोभूमि पर जाने का भी सौभाग्य मिला, और उसके बाद हमारे गाजीपुर के पूर्व सैनिकों के साथ वार्तालाप करने का भी मौका मिला, और अभी इस जनसभा के माध्यम से गाजीपुर की प्रबुद्ध जनता के दर्शन करने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं। ये बाबा अमरनाथ की मंदिर, हनुमान का मंदिर, पूज्य साधु संतों की ये तपोस्थली, ऐसी तपोस्थली को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं भारत के परमवीर चक्र हमारे अब्दुल हमीद को भी याद करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं यहां याद करता हूं, और महाराजा सुहेल देव जी को भी याद करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब आज आ रहा था तो मैं देख रहा था कि गाजीपुर कितना बदल चुका है। मैं देख रहा था कि काशी से गाजीपुर आने का मतलब होता था घंटों लग जाते थे। आज जब मैं गाजीपुर पहुंचने की बात कर रहा था, मैं साथियों से पूछ रहा था, मैं हेलीकॉप्टर पे भी देख रहा था कि कितने विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथी बताते हैं कि काशी नजदीक हो गई है और 1.5 घंटे के अंदर हम यहां गाजीपुर पहुंच जाते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह कैसे हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। और आज 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे और उसी तरीके से विकास के नए नए आयाम, ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया, और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी है, और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि गाजीपुर का विकास न कम से कम पीछे तो कभी हुआ नहीं, अनप्रेसिडेंटेड। और उसी तरीके से यहां माफिया राज को भी आपने नमस्कार किया,
विकास को आगे बढ़ाया। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच, एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहता है। मित्रों, गाजीपुर के विकास के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल तक राज किया, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल हम पर राज किया, इस आर्थिक मंदी में जब दुनिया गुजर रही है, जब अमेरिका और चाइना की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती दिखती हैं, तो भारत ब्रिटानिया को पछाड़ करके दुनिया में 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और आज ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, IMF ने यह घोषणा की है कि आंकड़े बताते हैं कि आने वाले समय में भारत 4वीं नंबर की जल्द ही अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भारत की बदलती तस्वीर है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था। आज 2022 में जहां आप खड़े हो, आज भारत में जो मोबाइल बन रहा है, दुनिया में भारत 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह भी हमको याद रखना होगा। और आपको खुशी होगी कि अब जो आप एप्पल का मोबाइल हाथ में लेते हो, तो उसका जरा डब्बा भी पढ़ लेना, उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। यानी अब एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है। इस बात में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे नंबर के। दवाइयों में हम दुनिया को सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव दवाई दे रहा है, तो भारत दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है, दवाई में आगे चला गया है। वो भी हमको याद रखना होगा। केमिकल में भारत आज सबसे आगे खड़ा होने जा रहा है। आप लोग सुनते होंगे बचपन में, ये जापान की गाड़ी है, ये जापानीज गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत ने जापान को पछाड़ कर अब हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गए हैं। दुनिया में हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गए। अब हमारे आगे सिर्फ दो रह गए हैं, अमरीका और चाइना। हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत की आर्थिक स्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमारी ग्रोथ 6 गुनी हुई है और हम 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें, तो आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25,00,000 करोड़ रुपए गरीब लोगों के खाते में मोदी जी की एक बटन दबाने से आप तक पहुंच रहा है। यह भी आपको याद रखना चाहिए। एक समय था भारत के प्रधानमंत्री कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे आपको पहुंचते हैं, 85 पता नहीं किस हाथ में फंस जाते हैं, आपको नहीं मिलते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11,78,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 11,78,00,000 किसानों को 2,000 रुपए 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में पहुंच जाता है। यह बदलता भारत है। और 2,00,000 करोड़ रुपए 12 किश्तें प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई है। मैं यहां यह भी आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं आप लोग बैठे हुए हैं, बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। मैं बार बार बोलता हूं लोग, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है,
किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है और नजदीक नजदीक बैठे हैं। कैसे बैठे हैं आप? ये इसलिए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ के देश को 220 करोड़ टीकाकरण डबल डोज साथ में बूस्टर डोज लगा के सुरक्षा कवच पहना के आपको बैठाया है। इस कारण से आप मैं मित्रों आपके सामने बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 साल लग गए थे, इस देश में पोलियो की दवा और नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए, इस देश में चेचक की दवा को आने में 28 साल लग गए, इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए, 100 ईयर्स। 1906 में जापान में दवा बन गई थी और योगी जी जब सांसद बने तो गोरखपुर में पहली बार दवा पहुंची, वो 2006 में पहुंचाई गई, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन कोरोना आया 2020 के जनवरी में, अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो डोज डब एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत ने बना करके दी और दुनिया तक पहुंचाई, यह भी हमको याद रखना चाहिए। हमसे लोग पूछते हैं बदलता भारत, मैं बोलता हूं यह है बदलता भारत। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, दवाइयां पहुंचने में 25-25 साल लग गए और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर दो दो वैक्सीन बना दी। और आपको जानकर खुशी होगी कि अमरीका में वैक्सीनेशन 76% हुआ है, यूरोप में वैक्सीनेशन 64% हुआ है, भारत में वैक्सीनेशन टीकाकरण 100% हो गया है, 100% हो गया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, दुनिया का सबसे तीव्र गति से होने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो वो भारत में है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज वैक्सीन हमने 100 देशों को पहुंचा दी है, मोदी जी ने 50 देशों को वैक्सीन टीका मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत हो गया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। मैं यूक्रेन के युद्ध की बात करता हूं, मुझे बताओ, आप कहते हैं ना ये उंगली में कितनी ताकत है, ये उंगली में ये ताकत है कि सही जगह बटन दबता है तो क्या होता है और गलत जगह दबता है तो क्या होता है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारे 32,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, 32,000। आप बताइए, अमेरिका ने अपने बच्चों को लाने का प्रयास किया, यूरोप ने प्रयास किया, ऑस्ट्रेलिया ने प्रयास किया, बांग्लादेश ने प्रयास किया, श्रीलंका ने प्रयास किया, पाकिस्तान ने प्रयास किया, किस देश ने प्रयास किया? लेकिन हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बातचीत की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया, अपने 4 केंद्रीय मंत्री भेजे और 32,000 बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के साफ वापस आ गए। यह हमारी परिस्थितियां है। और आपको जानकर खुशी होगी कि दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तैर गए, वो भी कर गए। ये बदलता भारत है। और उसी तरीके से मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आज मुझे खुशी है कि चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे विकास के दृष्टि से कार्य हो, चाहे निवेश की बात हो, उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर मोदी जी केंद्र से उत्तर प्रदेश को पैसा दे रहे हैं, मोदी जी पहले भी देते थे, अखिलेश के जमाने में भी हम पैसा देते थे, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, ऊपर से हम पैसा डालते थे, नीचे कटोरे में छेद था, कहीं और जाता था पैसा, कहीं और निकल जाता था, धरती पर नहीं लगता था। मुझे याद है मैं एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए आया था, उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे,
मैंने उनसे कहा कि आपके यहां परसों से यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ना उनको मालूम था ना उनके स्वास्थ्य मंत्री को मालूम था। मैंने कहा भगवान ही बचाए उत्तर प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ का देश प्रदेश, और यहां के मुख्यमंत्री को ही नहीं मालूम है कि वैक्सीनेशन क्या है। और जब मैं आ जाता हूं तो मुझे आने से पहले योगी जी का फोन आता है कि आपकी दवाइयां पहुंच गई हैं, हमने व्यवस्था कर दी है, बच्चों को लग जाएगी और टीकाकरण हो जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था होती है। आप देखिए खेल जगत की बात कीजिए, 30 स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, 23 मल्टीपर्पज हॉल बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के दृष्टि से, 9 एयरपोर्ट्स बन करके तैयार हो रहे हैं गति शक्ति के तहत। और आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो वह भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जेवर में बन रहा है, वह भी हमको ध्यान में रखना है। और उसी तरीके से प्रयागराज और गाजियाबाद में नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की बात हो रही है, उसी तरीके से कुशीनगर में नया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया है, जेवर की मैंने आपसे बात कर ली। सरयू नदी की अगर मैं बात करूं तो सरयू नहर इरिगेशन स्कीम, यह स्कीम 1978 में योजना बनी थी, मैं ठीक बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी, 1978 में 73 में 1973 में बनी थी, किसी ने सुध नहीं ली। जब मोदी जी आए और योगी जी आए तो यह नहर चालू की गई, बना करके पूरी करके दी गई, वह भी हमको ध्यान में रखना होगा। और उसी तरीके से डबलिंग ऑफ द रेलवे लाइन, वह भी चल रहा है। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज के दृष्टि से इस समय उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और आपका महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज वह भी उनमें से है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कभी सोचा था कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज आएगा, आज गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज आ गया। कभी सोचा था कि पीजीआई का एनहांसमेंट होगा, आज वो भी हो गया। कभी सोचा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वाराणसी में एम्स के बराबर की सुविधा बीएचयू भी खड़ी की जाएगी। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे खुशी हो रही है कि एम्स के स्टैंडर्ड के अनुसार बीएचयू में भी व्यवस्था की गई है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे की बात करें तो 13 एक्सप्रेस वे सिर्फ उत्तर प्रदेश में बन रहे, 13 एक ही प्रदेश में 13, और 3,200 किलोमीटर उसमें पूरा हो रही है। उसी तरीके से अभी पूर्वांचल में 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, उसी तरीके से 296 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने बना, अभी दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर का वो भी बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजीपुर गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया और माझी ग्रेट एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में कहे जा रहे हैं। आप बताइए आज से 10 साल पहले ऐसे कोई नेता किसी पार्टी का ऐसे एक्सप्रेसवे का नाम ले सकता था क्या? ले सकता था क्या? ले सकता था क्या? आज आप परिस्थिति, वो क्या नाम लेते थे उस समय? उस समय यही कहते थे कि यहां अपहरण हो गया, यहां गुंडागर्दी हो गई, यहां जमीन हथिया लिया गया, यही होता था कि नहीं होता था? आजकल इस माफिया का राज है, आजकल इस माफिया का राज है। यह विकास की कहानी, आम व्यक्तियों को राहत देने का काम ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व ने नई राजनीति को जन्म दिया है और योगी जी ने अक्षरशः उसको धरती पर लागू करने का काम किया है, इस बात को हमको समझना होगा। यह देश की परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मैं बहुत सी बातें आपके साथ चर्चा कर सकता हूं जहां तक विकास की कहानी है, लेकिन हां मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। आज यहां हमारे लोग गांव से आकर के बैठे हैं, आज गांव की तस्वीर भी बदली है। गरीब, गांव, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनकी अगर किसी ने चिंता की है तो वह चिंता प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने की है।
आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और उत्तर प्रदेश उसमें अपने तरफ से जोड़ करके आगे बढ़ा रहा है। गरीब को कभी भूखा न सोना पड़े इसकी व्यवस्था की गई है। नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी कम रह गई है, यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आपके उत्तर प्रदेश में मैं आया करता था, गांव में लाइट नहीं होती थी, लोग वो सोलर एनर्जी का बल्ब लेकर के मेरे आगे आगे चलते थे, लालटेन लेकर के चलते थे। आज आपके यहां 24/7 24 घंटे 12 महीने बोलिए बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है, पहुंची है कि नहीं पहुंची है, सबको बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक समय में बिजली मिलना मतलब होता था बहुत बड़ा सरकार का एहसान। सौभाग्य योजना, उजाला योजना, हर दृष्टि से विकास का काम हुआ है। अभी अगर मैं बात करूं हमारी बहनों के बारे में, मैं चर्चा करना चाहता हूं, 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए, 12 करोड़। 12 करोड़ का मतलब आप समझो, मुझे याद है संसद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, मुझे दुख होता है जब मेरी गाड़ी सड़क पर चलती है और बहनें झुंड बना करके अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए सड़कों पर आती हैं तो मुझे शर्म आती है। 1966 में कहा राम मनोहर लोहिया ने, किसी ने सुध नहीं ली। और संख्या कितनी थी? 12 करोड़। ये 12 करोड़ लोगों बहनों को अगर इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने उसकी योजना बनाई और योगी जी ने धरती पर उत्तर प्रदेश में उसको लागू करके दिया है, ये हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात सुनाना चाहता हूं। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, मैं बार बार सुनाता हूं लोगों को, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय मेरी उम्र 32 साल होती थी, मैं विपक्ष का नेता बना। मेरा बीडीओ मेरे पास आता था, बोलता था, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, वो आके बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ। बोलता था आपको 2 पंचायतों में इंदिरा आवास योजना में 1 घर मिला है, बताइए इसको किसको देना है। मैंने कहा तू ही रख ले इसको भैया, 100 बीमार 1 अनार क्या करूंगा मैं। आज मुझे खुशी होती है कि मोदी जी ने निर्णय लिया, आज 3,60,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनकर के तैयार हो रहे हैं। ये परिस्थिति आकर के खड़ी है। मेरे पास अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़े नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब मैं एमएलए था तो 45 लाख घर उत्तर प्रदेश में बने हैं। यह है बदलता उत्तर प्रदेश, यह है बदलता भारत। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करना चाहता हूं। जब मैं एमएलए बना, मेरा एक्सीएन आता था, बोलता था आपको इस साल 2 करोड़ रुपए मिले हैं और आपकी 40 सड़कें हैं, बताइए ये 2 करोड़ रुपए कहां डालूं। मैं कहता था तू ही तय कर ले यार कहां डालना, आप ही तय कर लीजिए कहां डालना, आप ही तय कीजिए कि क्या होगा इसमें, आप बताइए 2 करोड़ रुपए 40 सड़कों में कहां लगेगा। और प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, जिसको यूपीए की सरकार ने फिर रोकने का प्रयास किया, मोदी जी ने फिर से चालू किया। आज लाखों गांव ऑल वेदर रोड से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जुड़ गए, एक एक सड़क पर 5-5 करोड़ रुपए मिलने का काम हो गया। अभी योगी जी हर एक लोगों को विकास के दृष्टि से हर विधानसभा में 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ विकास के लिए दे रहे हैं, यानी छोटे काम के लिए भी बड़े काम के लिए भी। यह रिस्पॉन्सिबल सरकार है, यह रिस्पॉन्सिव सरकार है, यह प्रोएक्टिव सरकार है, यह बात हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सही और गलत का अंतर हमारी जनता को समझाना होगा, उनको बताना होगा कि गांव की चिंता किसने की, गरीब की चिंता किसने की, किसान की चिंता किसने की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 लाख करोड़ रुपए हमारे 12 किश्तों में किसानों को पहुंचाया गया है, 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में डाला गया है। कभी सोचा था?
किस तरीके से? मैं आयुष्मान की भारत की बात करूं और उसमें आपकी अपनी भी स्कीम कोई जुड़ी गई है आयुष्मान भारत के साथ, जन आरोग्य योजना योगी जी ने भी जोड़ी है। मैं आपको इसकी भी कहानी सुनाना चाहता हूं, आपके ध्यान में आना चाहिए। आप बताइए, आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का 50 करोड़ की जनता को आयुष्मान भारत के तहत हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है, और जो उसमें बच गए हैं उसको योगी जी जन आरोग्य योजना के तहत उसको भी जोड़ रहे हैं। गरीब आदमी कौन है ये लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, स्कूटर वाला, ऑटो रिक्शा वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला हमारा भाई, हमारा मैकेनिक, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देने का काम किया है। इसलिए मित्रों, आज बदलता भारत इस माध्यम से इसको जनता तक पहुंचाना है, उनको बताना है, उनकी ताकत को बताना है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताना है। लेकिन आप देखिए, अब आपकी तरफ से यहां एक गलती हुई है। आपने यहां से जो सांसद चुना उसका कोई सारोकार है? इन चीजों से कोई सारोकार है? एक ही काम पकड़ा है, भैया को जेल से बाहर निकालना, एक ही काम। ये काम होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? ऐसे लोग आप बताइए, ये दरिंदगी करते थे कि नहीं करते थे? ये माफिया राज था कि नहीं था? आज उत्तर प्रदेश में शांति आ गई कि नहीं आ गई? ये शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? रखनी है कि नहीं रखनी है? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, शांति रखनी है कि नहीं रखनी है? ऐसे लोगों को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? ये सब कुछ करना है तो गाजीपुर में भी कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। बोलिए, खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? खिलाएंगे ना? आपको पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए चाहिए ना? आपको बिजली चाहिए ना? आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए ना? आपको हाईवे चाहिए? आपको एयरपोर्ट चाहिए? आपको विकास चाहिए? आपको माफिया राज से छुट्टी होनी चाहिए हमेशा के लिए? ये सब होना चाहिए तो गाजीपुर में भी कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सभी अतिथियों के धन्यवाद के लिए माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूं, सभी का धन्यवाद। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय।